नमस्कार, 10 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। जेएससी पेपर लीक मामले को लेकर सरकार ने एसआईटी तो गठित कर दिया, लेकिन उससे नाखुश हैं यहां के छात्र और छात्रों की पार्टी है आजसू। आजसू ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आहूत की, उसमें सीधी तौर पे सीबीआई से जांच की मांग की है, क्योंकि नीरज सिन्हा जो पूर्व डीजीपी थे वो जेएसएससी के अध्यक्ष पद पे है, तो एसआईटी की जांच कोई डीएसपी रैंक का अधिकारी कैसे कर सकता है। आइए क्या कुछ कह रहे हैं आजसू के छात्र नेता, सुनते हैं। डीजीएल पेपर लीक मामला जो है उसको लेके हम लोग आपके समक्ष हैं। सर्वप्रथम अल्प समय में कार्यालय में आप लोगों की उपस्थिति के लिए हम लोग आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे आजसू पार्टी के केंद्रीय संगठन सचिव अली भैया, साथ में पार्टी के केंद्रीय सचिव सचिन भगत जी, वरीय साथी जब्बार जी, प्रदेश अध्यक्ष अखिल झारखंड छात्र संघ के ओम वर्मा जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में राज्य के युवाओं में अपने भविष्य को लेके काफ़ी अनिश्चितता है। कई एग्जाम वो लोग फेज कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम एक मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहा है। परीक्षा हो रही है तो कभी रद्द हो रही है, कभी विभिन्न वजहों से उनके भविष्य पे जो अंधकारमय साया है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो अभी आपने सुना आजसू जो छात्रों की पार्टी है उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा क्या कुछ चेतावनी दी जा रही है। सीधी तौर पे एसआईटी की जांच सरकार न करे, सीबीआई करे, नहीं तो चरमबद्ध आंदोलन के लिए तैयार है आजसू। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, 10 न्यूज, रांची।